हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको इस चैनल पर मिलता है फाउंडेशन कोर्स भी, है ना। यह फाउंडेशन कोर्स वो कोर्स होता है जो बेसिकली एक ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब अगर आपका अगर आप अभी 9th में हो या 10th में हो और अगर आप चाहते हो कि हमें नीट क्लियर करना है या फिर IIT JEE क्लियर करना है, तो उसकी तैयारी एक्चुअली में 9th 10th से शुरू हो जाती है। तो उनके लिए है ये आपका कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो आज फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसका एक टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर का आंसर, दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन का आंसर स्केलर मिल रहा था। लेकिन आज अपन देखेंगे कि जब कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल है इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। ये देखो, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो, फिर उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल है उसका DPP मिलेगा आपको PDF फॉर्म में, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर वाइज MCQ, है ना। मतलब आपके चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू आपके डाउट्स को भी सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी होगा, है ना, जिसमें आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपने कितना चैप्टर सीखा है। उसके बाद है गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मतलब फाउंडेशन कोर्स करने के बाद जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC, NSTSC, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनको आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये एग्जाम कब होते हैं, ठीक है, कब होंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है उसको, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, मतलब एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक वन शॉट में आपको रिविजन भी करवाया जाएगा। एंड लास्ट इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ये एक और आपको मौका दिया जाएगा जहां पर आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिलता है इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, है ना। तो चले अब हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, और कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब यहां पर दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर वेक्टर ही मिलेगा, ठीक। चलो शुरू करते हैं। ये देखो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो क्या है, यहां पर आपके पास है दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, तो देखो ए से बी के तरफ यहां पर एरो बना हुआ है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो ए क्रॉस बी करने पे हमें एक और वेक्टर मिलेगा ना, ठीक है। तो जो हमें वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिलेगा, जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स, है कि नहीं। मान लो ए क्रॉस बी करने पे, ठीक है, आपको वेक्टर मिल रहा है सी वेक्टर, तो वो जो सी वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ गिवन वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा इनटू, इसके इनटू में क्या दिख रहा है आपको, ये एन कैप दिख रहा है, ये एन कैप क्या होगा, ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग थर्ड वेक्टर, है ना। मतलब जो तीसरा वेक्टर मिलता है ना, ठीक है, उसका ये यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपको मालूम है ना क्या करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है ये, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मान लो मैंने कहा कि इन दोनों का जब तुमने क्रॉस किया, तो मान लो ए क्रॉस बी,
में आपको मिला एक और वेक्टर सी। ठीक है, अब ये बताओ कि किसी वेक्टर को तुम लिख सकते हो कि नहीं उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, है कि नहीं भाई? देखो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन शो करता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो आपके तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू गिवन के टर्म्स में क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो ये सी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी साइन थीटा, है कि नहीं, इनटू सी कैप। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो सी वेक्टर मैंने माना। हो सकता है कि यार कोई ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर होगा कोई डी मान रहा होगा, कोई एफ मान रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग कहीं सी कैप आएगा, कहीं डी कैप आएगा, कहीं एफ कैप आएगा। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, ठीक है, कि जब तीसरा वेक्टर जो मिलेगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा जो उस तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा वो एन कैप से रिप्रेजेंट होगा। एक फिक्स कर दिया गया रिप्रेजेंटेशन कि एन कैप, हाँ है ना। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा आपसे कि जब कोई दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो हमें जो तीसरा वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा और उसका डायरेक्शन कौन शो करेगा? वो एन कैप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, बात हो चुकी है अपनी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द गिवन वेक्टर्स। मतलब ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर तो है और इसका डायरेक्शन मालूम किसके परपेंडिकुलर होता है? जिस प्लेन में वो ए और बी वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका ये एन वेक्टर, मतलब एन कैप, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? मैंने क्या बोला कि एन कैप का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन पर वो गिवन वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब जो तीसरा वेक्टर हमें मिलता है दो वेक्टर के क्रॉस करने पे वो तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पर जो हमने बात की थी सी वेक्टर जो तीसरा वेक्टर था उसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट एग्जांपल देखो, आप ये बताओ ये जो ए और बी है वो इस ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, तो जो आपका एन कैप होगा ना, एन कैप या ये बोले जो तीसरा वेक्टर मिलेगा ना उसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब सवाल उठता है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो आउटवर्ड भी हो सकता है इनवर्ड भी हो सकता है ना, आउटवर्ड भी हो सकता है प्लेन के परपेंडिकुलर, इनवर्ड भी हो सकता है। तो हम कब बोलेंगे कि आपका जो तीसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और कब बोलेंगे कि डायरेक्शन इनवर्ड होगा? उसके लिए लगता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, अब क्या होता है ये राइट हैंड रूल? ठीक है, तो सुनना ध्यान से, देखो आप क्या करो, अपने राइट हैंड को ऐसे देखो, ये आपका राइट हैंड है ना। अब देखो ध्यान से, आप अपने फिंगर्स को, ठीक है, थंब को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, ये जो चार फिंगर्स होते हैं इन फिंगर्स को आप ए पे प्लेस करो। ठीक, और आपको करना है ए क्रॉस बी ना, मतलब आपको ए से बी की तरफ जाना है ना, तो अपने फिंगर्स को भी ए से बी की तरफ कर्वेचर लाओ, इसका मतलब इसका मूवमेंट लाओ। अब देखो ए से बी मूव किया, अब बताओ थंब का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है कि नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं,
मतलब यहां पर जो एन कैप होगा उसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगा, है कि नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी करने पे जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि एडजस्ट द कर्ल ऑफ फिंगर्स सी यू आर एल या एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, है ना, या थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, हाँ है ना, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं राइट हैंड रूल बोल देता हूं, ये देखो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर राइट हैंड रूल में, देखो एडजस्ट द कर्ल या कर्वेचर ऑफ फिंगर्स ठीक है, यहां पर एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देन द थंब shows the direction of unit vector या third vector, third vector, ठीक है। ये कहानी होती है आपके सिंपल राइट हैंड रूल की, है ना। चलो अगर मैं यहीं पर, अगर मैं यहीं पर मैं करता, मान लो बी क्रॉस ए करता, मान लो ऐसा होता, मैं करता बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो मालूम डायरेक्शन क्या आता तीसरा वेक्टर का, देखो अब मैं बी पे सेट करूंगा अपने फिंगर्स को और ए के तरफ आऊंगा, B क्रॉस A करना है ऐसे, तो मेरा थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, है कि नहीं। तो आप बताओ A क्रॉस B का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन और B क्रॉस A का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होगा ना, है कि नहीं। इसीलिए आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच का एंगल कितना होता है, तो आंसर इज 180 डिग्री। देखो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखें ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तुम ये बताओ ये जो ए बी साइन थीटा है ये क्या है, ये जो तीसरा वेक्टर मिला है ना, ठीक है, ये जो तीसरा वेक्टर मिला है ना, है ना, उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, मतलब ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड है ना ये, ठीक है। तो आप बताओ ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड कर दूं तो ये भी तो वही बोल रहा है कि ए और बी का जो क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो जो वेक्टर मिलेगा उसका मॉड, बोलो हाँ है ना। आप ये बताओ यहां पर ए क्रॉस बी आपका सी है कि नहीं, थर्ड वेक्टर, अगर मैं यहीं पर देखो मैं दोनों तरफ मॉड कर दूं तो हम बोल सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी का मॉड को मतलब सी का मॉड, तो ए क्रॉस बी का मॉड मतलब जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उसका मॉड, मतलब जो तीसरा वेक्टर मिला है उसका मैग्नीट्यूड, और वो कितना है,
ए बी साइन थीटा है ना, तो हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं क्या? ठीक, तो आप बताओ यहां से साइन थीटा निकाल सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, है कि नहीं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब समझ रहे हो, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी मतलब तीसरा वेक्टर सी, उसका मैग्नीट्यूड, और वो ऑलरेडी होता है ए बी साइन थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो, वहां से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? तो ये काम का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है? चलो, तो ये कहानी होती है आपके वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हमें देखना होगा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स आई जे के, फिर उसके बाद हम लोग कोई दो वेक्टर लेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, है ना? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं अपन। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। देखो यहां पर, देखो अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। आई आई का, जे जे का, के के का जो क्रॉस होता है वो जीरो होता है। हमने डॉट में देखा था कि सेम का डॉट वन होता था, लेकिन यहां पर सेम का जो क्रॉस है वो जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ, मैंने कहा आई क्रॉस आई मतलब हमारा ए वेक्टर आई कैप है और हमारा बी वेक्टर भी आई कैप है, इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड मतलब अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और आप बताओ एंगल बिटवीन आई एंड आई इज जीरो ना यार, ठीक है? आई बी एक्स के लॉन्ग, एक और आई वो भी एक्स के लॉन्ग, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री होगा। तो साइन जीरो इंटू एन कैप ना, ठीक? तो अब बताओ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सेम का क्रॉस करोगे तो उन सेम के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो, ठीक है? तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो सेम का क्रॉस जीरो होना ही है। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये कितना होगा? जीरो होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हम बात करेंगे, जब हम डिफरेंट का क्रॉस करते हैं तो क्या कहानी होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, अगर मैं करता हूं आई क्रॉस जे, ठीक है? अब देखो मैं यहां पर बना देता हूं, ये आपका y, ये आपका x, x y और ये z, तो ये होता है i कैप, ये होता है आपका j कैप और ये होता है आपका k कैप, ठीक? अब बताओ देखो i क्रॉस j कर रहे हैं तो ये आपका a का रोल करेगा, ये b का रोल करेगा, तो a क्रॉस b होता है a इंटू बी मतलब a का मैग्नीट्यूड मतलब i का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड मतलब j का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और आप बताओ i और j के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 इंटू n कैप। अब सुनो, n कैप जो होगा इस बार वो होगा इन दोनों का जो क्रॉस करने पे जो वेक्टर मिलेगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। और आप बताओ आई क्रॉस जे किया है तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो आई और जे जिस प्लेन पे होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। और आप बताओ आई और जे इस एक्स वाई प्लेन पे हैं कि नहीं, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है? जेड एक्सिस होती है ना, ठीक है? और अब देखो, ये देखो ये आपका y ऊपर, ये आपका x और ये आपका z, x y z, ठीक? अब देखो मैं करने जा रहा हूं i क्रॉस j, i के तरफ ले जाऊंगा अपने फिंगर्स को, ठीक, और j के तरफ मूव करूंगा। यहां देखो i क्रॉस j, थंब बाहर की तरफ जा रहा है मेरा,
और बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब Z के लॉन्ग जा रहा है ना ये, पॉजिटिव Z के लॉन्ग। ठीक, तो आप बताओ यहां पर Z के लॉन्ग कौन सा होता है यूनिट वेक्टर, K कैप होता है ना। तो आप बताओ यहां पर इन दोनों के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो K कैप होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर ये वैल्यू वन होती है, ये वैल्यू वन होती है बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स हैं। वन इंटू वन इंटू साइन एंटी ऑल्सो वन इंटू के कैप, सो रिजल्ट इज वॉट, के कैप। तो आप बताओ आई क्रॉस जे ये हुआ कितना, के कैप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आई क्रॉस जे देखा आपने के। नाउ अब हम करते हैं जे क्रॉस के। देखो जे क्रॉस के, तो जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड के। तो भैया जे एंड के मतलब वाई एंड जेड एक्सिस 90 डिग्री है ना, इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 होता है। चलो अब बताओ यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो जे और के जिस प्लेन पे हैं उसके परपेंडिकुलर, और जे और के मतलब वाई और जेड मतलब वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर। और आप बताओ ये वाई ये जेड ये वाई जेड प्लेन ना, और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स एक्सिस है कि नहीं। और यहां रूल भी लगा रहा हूं, देखो अपन को करना है जे क्रॉस के, तो जे के तरफ ले जाओ अपने फिंगर्स को और के की तरफ मतलब जेड के तरफ आप मूव करो, तो आपका ये थंब कहां जा रहा है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब, और एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो आप बताओ यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप आएगा ना, तो ये वन वन वन, तो वन इंटू वन इंटू वन वन हो गया, तो आपका सिंपल आई कैप आएगा ना। तो आप बताओ जे क्रॉस के कितना हो गया, आई कैप हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, सिमिलरली हम बात करेंगे के क्रॉस आई की। तो इधर देखो ध्यान से, के क्रॉस आई की बात करेंगे, तो ये होगा आपका के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू, अब देखते हैं यहां पर, देखो ध्यान से यहां पर क्या है के क्रॉस आई, तो यहां पर कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा जो के और आई के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और के मतलब जेड एक्सिस आई मतलब एक्स एक्सिस, तो जेड और एक्स मतलब जेड एक्स प्लेन ना, तो जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस होता है ना। ठीक, और अब देखो के क्रॉस आई, आप क्या करो जेड की तरफ फिंगर ले जाओ और एक्स की तरफ मूव करो, ठीक है, के क्रॉस आई इज जे है कि नहीं। चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका जे कैप, क्लियर। तो ये सब कुछ तो वन हो जाता है, मतलब के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप होगा, मानते हो, है ना। तो यहां पर आपने क्या पैटर्न देखा कि आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, मतलब डिफरेंट का क्रॉस जब करते हैं तो हमें तीसरा वाला मिलता है यूनिट वेक्टर, है कि नहीं। बट देयर इज अ कंडीशन, ठीक है, आओ ध्यान देना इधर, इधर देखो मैं यहां पर कुछ और बताना चाहता हूं आपको। देखो अभी क्या देखा हमने, आई क्रॉस जे किया तो क्या मिला, के मिला, ठीक है, जे क्रॉस के किया तो क्या मिला, आई मिला, ठीक है, फिर हमने के क्रॉस आई किया क्या मिला, जे मिला, है ना। अब यहां पर एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रही है, ठीक है, अब ध्यान देना इधर देखो, आपको यह पता है क्या कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के होगा, लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं मैं, तो क्या तो भी आपको के मिलेगा, नहीं मिलेगा के, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर अगर हम रिवर्स करते हैं हमें तीसरा वाला तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा। तो ऑर्डर कैसे होता है, देखो साइक्लिक ऑर्डर है ना, ये देखो आई
फिर जे, फिर के, और चलना है अपन को एंटी क्लॉकवाइज में, उसे ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, अगर एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर फॉलो हो रहा है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो आपको तीसरा वाला मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर तुमने कर दिया जे क्रॉस आई, तुमने क्लॉकवाइज कर दिया ऑर्डर, तुमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, तो भी आपको तीसरा वाला ही मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जे क्रॉस आई इज माइनस के। अब तुम बोलोगे सर इसको एक बार आप वो रूल लगा के बता दो। देखो मैं बताता हूं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे मतलब वाई, ठीक, और आपका आई मतलब एक्स, तो जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ, तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है कि सॉरी नेगेटिव जेड की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? पॉजिटिव जेड तो ये है ना, इधर आ रहा है मतलब नेगेटिव जेड है कि नहीं, मतलब माइनस के होगा ना। हमने आई क्रॉस जे किया था तो प्लस के कैप आया था, अब जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो उसका ठीक उल्टा आएगा ना, तो जब प्लस आ रहा था उसका ठीक उल्टा क्या होगा? माइनस, ठीक। तो ध्यान रखना आप लोग कि अगर ऑर्डर रिवर्स करते हो तो तीसरा वाला मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे करते हैं तो भी आपको तीसरा वाला मिलेगा लेकिन माइनस मिलेगा, ठीक, क्लियर? नाउ अब देखो के क्रॉस आई है यहां पर तो जे है, अगर आई क्रॉस के करें तो है ना, तो आपको जे मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा, ये कहानी है, ठीक है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो आपको तीसरा वाला मिलेगा पॉजिटिव में, अगर ऑर्डर रिवर्स हो रहा है तो भी तीसरा मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि कोई दो वेक्टर अगर आपको गिवन रहेगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, है ना, एक मेथड होता है कॉल्ड एज डिटरमिनेंट मेथड, वो अपन देखने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो तो पहले काम करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है ये मेथड, ध्यान देना, इधर देखो, देखो आपके पास रहेगा दो वेक्टर ए और बी, मैंने एक जनरल वेक्टर मान लिया, मैंने ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और बी वेक्टर क्या होगा ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, है ना, ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये लगाओगे इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। अब देखो पहले रो में आप आई जे के लिख दोगे, ठीक है, फिर दूसरे रो में आप देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो पहले ए के कोएफिशिएंट्स आएंगे आई जे के, तो आप देखो आई का कोएफिशिएंट ए वन, जे का कोएफिशिएंट बी वन, के का कोएफिशिएंट सी वन, फिर बी के कोएफिशिएंट्स आएंगे ए टू बी टू सी टू, क्लियर, इतना कर लोगे। नाउ अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, आई कैप, ठीक, आई कैप लिखा, अब इसके अलोंग कॉलम और इसके अलोंग रो को भूल जाओ, इनको देखो ध्यान से, इनको देखो, ठीक है। अब बताओ क्या है, और क्रॉस इनटू करना है आपको, क्रॉस इनटू करना है और ऊपर से नीचे की तरफ करना है, देखो लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे, देखो यहां पर बी वन इंटू सी टू, बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, हाँ है ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, तो इन दोनों का इंटू माइनस बी टू इंटू सी वन। अब ये आपके क्वेश्चन में यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो वो सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी, ठीक। सिमिलरली माइनस जे
इस बीच वाले में अपन को नेगेटिव रखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसके अलोंग कॉलम और इसके अलोंग रो को भूल जाओ, कौन सा रहेगा A1 A2 C1 C2, ये वाला भूल जाओ आप। अब क्रॉस इंटू करो, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, क्लियर। नाउ अब प्लस के कैप, अब देखो ध्यान से यहां पर प्लस के कैप, ठीक है। अब यहां देखो ये वाला कॉलम और ये रो भूल जाओ, ठीक है, क्या होगा इसको देखो, इसको ये देखो ये। अब बताओ A1 B2 माइनस A2 B1, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करके देखो I J K के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो I J K के फॉर्म में आंसर आ रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आंसर आ रहा है ना आपका, तो दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो आपको वेक्टर ही मिला है ना। चलो आओ इस मेथड से अपन एक एग्जांपल करते हैं, है ना। आओ देखो ध्यान से, मैंने लिया मान लो एग्जांपल में ए वेक्टर लिया मैंने, सपोज करो आई माइनस जे प्लस 2k मान लो, और बी वेक्टर लिया मैंने सपोज करो कि 3i माइनस 4j प्लस 7k मान लो, ठीक है। चलो ये आपके वेक्टर ले लिया मैंने, अब देखो ध्यान से मुझे करना है ए क्रॉस बी। अब देखो ये डिटरमिनेंट लगाया मैंने, पहले रो में लिखना आई जे के, ठीक है। चलो अब देखो पहले ए है ना, तो ए के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 1, यहां पर जे का कोएफिशिएंट -1, फिर के का कोएफिशिएंट 2, ठीक है, फिर यहां पर बी का 3, ये देखो आई का 3, ये -4 और ये 7, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं, आई ब्रैकेट लगा लो ब्रैकेट, फिर माइनस जे ऐसे ब्रैकेट लगा के रख लो, प्लस के कैप ब्रैकेट लगा के रख लो। अब ब्रैकेट के अंदर डालेंगे चीजों को, देखो आई लिया है मैंने तो इसके लॉन्ग कॉलम और रो भूल जाओ, इनको ध्यान दो, -1 × 7 -7, ठीक है, माइनस बताओ -4 × 2 -8, तो दो दो नेगेटिव हो गए ना यहां पर, एक तो फॉर्मूले का नेगेटिव और एक इनटू करने पे एक और नेगेटिव आया, ठीक है। अब देखो जे के लॉन्ग कॉलम जे के लॉन्ग रो भूल जाओ, 1 × 7 देखो ये वाला और ये वाला, 1 × 7 7, -3 × 2 6, क्लियर। चलो अब के देखो, के लॉन्ग कॉलम के लॉन्ग रो भूल जाओ, इनको ध्यान दो, इनको 1 × -4 -4, माइनस पहले से, ठीक है, 3 × -1 -3, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ तो यहां पर था ये ब्रैकेट, ये माइनस, अब देखो 3 × -1 -3, क्लियर। अब देखो यहां से यहां पर क्या कहानी होगी, आई कैप -7 + 8 -7 + 8 1 ना, ठीक, 7 - 6 1 1 × -j - j, फिर ये देखो -4 + 3 - 1 - 1 आएगा इंटू के कैप -k कैप, तो आंसर क्या आया, आई कैप -j कैप -k कैप, ठीक है, ये मिला अपन को ए क्रॉस बी वेक्टर, है कि नहीं। तो आपने देखा ये दो वेक्टर थे, जब दोनों का क्रॉस किया तो आपको आई जे के फॉर्म में आंसर आ रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म आंसर है ना यहां पर, है कि नहीं। तो ये होता है आपका डिटरमिनेंट मेथड टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहां पर कुछ क्वेश्चंस की, है ना, तो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो अब यहां पर देखें एक और टॉपिक अपन देखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म, मतलब अगर आपको किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स
अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए और पूछे कि उसका एरिया कितना होगा, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है डेट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब जो ए और बी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना और फिर उसका मॉडुलस निकाल लेना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। आप बताओ जब ए क्रॉस बी करोगे तो आपको आई जे के फॉर्म में आंसर मिलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये है आपका सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, है कि नहीं? नाउ अब देखो, अगर ऐसे ही अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड दे दे, ये देखो, यहां देखो, यहां पर ट्रायंगल के दो साइड है ए और बी, ये दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है और इसका एरिया बताना है आपको, तो इसका एरिया क्या होगा? सिंपल, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, है कि नहीं? क्योंकि बेसिकली ये ट्रायंगल का, सॉरी पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है ये, है ना? अगर आपको मैं बोलूं ये आपका वेक्टर है, आप वेक्टर यहां भी बना सकते हो ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया ना, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ओनली, लेकिन उस पैरेललोग्राम का ये आधा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, है ना? तो ट्रायंगल का एरिया अगर पूछे तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, और अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो वहां पर ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम शुरू कर सकते हैं यहां पर क्वेश्चन, है ना? तो एक काम करें आप लोग, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब शुरू कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, ध्यान देना यहां पर। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है देखो, इफ टू वेक्टर्स आर ए इक्वल टू टू आई प्लस जे माइनस के, यहां पर दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, बाय कैलकुलेशन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें प्रूव करना है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? और ये फैक्ट भी है। तुम ये बताओ, ए क्रॉस बी करने पर जो वैक्टर मिलता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है ना, जिस प्लेन पर ए और बी होते हैं। तो मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पर ए है और बी है मान लो, और जो ए क्रॉस बी करने मिला है वो ऐसा होगा, ठीक? तो अब बताओ, ये जो आपका वेक्टर है ए क्रॉस बी करने पे जो मिला है वो ए के भी परपेंडिकुलर ही हुआ ना, है कि नहीं? और बी के भी परपेंडिकुलर हुआ ना। भाई उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसी प्लेन पे ए और बी है तो उनके भी तो इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अपन को ये कैलकुलेशन में जस्टिफाई करना है। तो एक काम करते हैं, सुनो, पहले तो अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी आएगा ना वो वेक्टर को इनके साथ डॉट कराएंगे, और अगर डॉट करने पे जीरो आएगा तो आप बताओ, कोई दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं ना, ये मैंने बताया हुआ है आपको किसमें, डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो में, है ना? कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है? आओ देखो, यहां पर देखो, मैंने लिखा पहले ए वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर क्या है, जे। अच्छा देखो, यहां पर आई मिसिंग है तो उसको जीरो के साथ लिख लें क्या, जो मिसिंग होता है ना उसको लिख लिया करो जीरो के साथ, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट अभी सीखा अपन ने आई जे के,
फिर ए के कोएफिशिएंट पहले लिखोगे 2, 1, -1, फिर बी के कोएफिशिएंट लिखोगे 0, 1, -4, 1, -4, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, क्लियर, ध्यान रखना जे में नेगेटिव आता है, ठीक है। अब आई के लॉन्ग कॉलम रो भूल जाओ, इनको ध्यान रखो, 1 × -4, -4, ठीक है, माइनस पहले से होता है, 1 × -1, -1, ठीक है। अब देखो माइनस जे कैप, जे के लॉन्ग कॉलम और रो भूल जाओ, 2 × -4, -8, -0 × -1, 0, ठीक है। चलो अब देखो के कैप, इसके लॉन्ग कॉलम और रो भूल जाओ, ये देखो इनको ध्यान रखो, तो 2 × 1, 2, -0 × 1, 0, तो आप बताओ क्या आएगा, -4 + 1, -4 + 1 इज -3, तो ये हो जाएगा -3i कैप। -8 ही बचेगा यहां पर, -8 × -j + 8j, फिर ये देखो ये 2 − 0 = 2, 2 × k कैप, 2 k कैप, ये हो गया कि आपका a क्रॉस b की वैल्यू। चलो अब देखो एक काम करते हैं, इसको एक और वेक्टर नाम दे देते हैं, c वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहां पर फॉर a क्रॉस b टू बी परपेंडिकुलर टू a, ठीक है, a क्रॉस b का जो डॉट होना चाहिए a के साथ वो कितना होना चाहिए, 0। तो आप बताओ, देखो ध्यान से, तो यहां पर इसके लिए इनका डॉट 0 होना चाहिए, क्लियर। अब देखो तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, should be 0। चलो अब देखो a क्रॉस b का डॉट करो, ये इसको मैंने क्या मान लिया, c का डॉट है ना, ये c मान लिया ना मैंने, c a क्रॉस b को मैंने c मान लिया है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, therefore c वेक्टर डॉट a वेक्टर, चलो c वेक्टर हमारा ये है ना, ये इसका और a का डॉट कराना है, तो डॉट कैसे कराते हैं, आई आई से, जे जे से, के के से, आओ -3 × 2 - 6, 8 × 1 = 8 और 2 × -1 - 2। अब देखो -6 - 2 - 8 और ये +8, आंसर इज 0 है कि नहीं, मतलब दिख गया ना कि ये जो a क्रॉस b है वो a के क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। चलो अब देखना अपने को कि a क्रॉस b उस b के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उनके साथ भी अपन डॉट करा देंगे, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एंड फॉर a क्रॉस b, ठीक है, टू बी परपेंडिकुलर टू a, सॉरी टू b, तो यहां पर क्या होना चाहिए, a क्रॉस b का जो डॉट है b के साथ, डैट शुड बी 0, शुड बी 0, ठीक है। चलो अब यहां पर कर दूं क्या, मैं इधर कर देता हूं, चलो इधर देखो, इसके बाद यहां पर है, तो a क्रॉस b का डॉट करना है b के साथ, तो a क्रॉस b को क्या माना है मैंने, c, c डॉट b। चलो अब देखो c का डॉट करना है b के साथ, c का करना है b के साथ, अब ये देखो b या ये है ना b, इसमें मैंने 0i लिख दिया यहां पर, ठीक है, तो ये हमारा b है। चलो इसका डॉट करो इसके साथ, -3 × 0 = 0, फिर 8 × 1 = 8, फिर 2 × -4 - 8, अब देखो यहां पर ये आपका 0, ये कैंसिल हो गया, पूरा आंसर कितना आ गया, 0 है कि नहीं। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि जो a क्रॉस b है वो a के भी परपेंडिकुलर हो गया,
और बी के भी परपेंडिकुलर प्रूव हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है यहां पर. चलो अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है. इफ 2i प्लस 3j प्लस 7k बी इक्वल टू 1i सॉरी हाँ 1i कैप प्लस 2k एंड c इक्वल टू j माइनस k कैप फाइंड a डॉट b क्रॉस c. मतलब यहां पर पहले b क्रॉस c निकालना होगा, उसका डॉट a के साथ करना होगा. कर देते हैं, आओ देखो यहां पर पहले काम करते हैं, जो a और a b c है ना उसको प्रॉपरली लिख लेते हैं. एक वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k कैप. b वेक्टर देखो, b वेक्टर में i, देखो j मिसिंग है तो उसको जीरो के साथ लिख दो और प्लस 2k कैप. ठीक है, चलो अब देखो c वेक्टर, यहां पर i मिसिंग है इसको जीरो के साथ लिख दो प्लस j कैप माइनस k कैप. क्लियर? ठीक है, अब पहले अपन को b क्रॉस c करना होगा. b क्रॉस c तो डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं. ये डिटरमिनेंट लगाया मैंने i j k. चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, फिर पहले b के कोएफिशिएंट्स तो 1 0 2. ठीक है, फिर c के कोएफिशिएंट 0 1 -1. चलो भाई ये देखो, i ब्रैकेट माइनस j ब्रैकेट प्लस k ब्रैकेट. क्लियर? नाउ अब देखो i के लॉन्ग कॉलम, i के लॉन्ग रो भूल जाओ. 0 × -1 0 − 1 × 2 2. नाउ अब देखो यहां पर j के लॉन्ग कॉलम रो भूल जाओ, 1 × -1 − 1 − 0 × 2 0. ठीक है, चलो अब देखो k के लॉन्ग कॉलम रो भूल जाओ, ये देखो 1 × 1 1 − 0 × 0 0. क्लियर? अब देखो ध्यान से यहां पर क्या आंसर आएगा, ये −2i, ये −1 × − j + j, फिर ये 1 × k k कैप है कि नहीं. तो ये हमारा b क्रॉस c की वैल्यू आ गई. अब देखो यहां पर क्या करना है अपन को, यहां देख लो a का डॉट करना है b क्रॉस c के साथ. करें? चलो करते हैं. देखो ध्यान से, a का डॉट मतलब इसका डॉट इसके साथ करना है. तो अब देखो i से 2 × −2 − 4 − 3 × 1 − 3 7 × 1 7. तो आप बताओ, ये तो भैया −4 − 3 − 7 और +7, आंसर कितना आ गया? 0 आ गया. इसका मतलब b क्रॉस c जो है वो क्या है, a के परपेंडिकुलर है कि नहीं. ठीक है, उसने सिर्फ बोला था कि a डॉट b क्रॉस c करना है, कर दिया, आंसर इज 0. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन. चलो अब देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है ये. अगर मॉड ऑफ a क्रॉस b √3 × a·b के बराबर है तो बताओ वैल्यू कितनी होगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड. ओके, अपन को निकालना है मॉड ऑफ a प्लस b का. देखो मॉड ऑफ a प्लस b निकालनी है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है अपन को, है ना. ठीक है, मतलब बहुत प्रीवियस टॉपिक यूज हो गया यहां पर. अपन को निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वो आर निकालना है. रिमेंबर है ना, आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos θ, है ना, वो निकालना है अपन को. चलो आओ निकालते हैं. देखो ध्यान से सुनो, पहले इस कंडीशन पे काम कर लेते हैं. इधर देखो, तुम ये बताओ, सिंस मॉड ऑफ a क्रॉस b जो होगा ये होगा, ये दिया हुआ है √3 × a·b एंड इफ यू रिमेंबर
मैंने कहा था कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है, मतलब तीसरा वेक्टर जो है उसका मॉड, और वो होता है ना ए बी साइन थीटा, अभी देखा था अपन ने, ठीक। चलो ये आपका रूट थ्री, ए डॉट बी हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए बी कॉस थीटा। चलो भाई अब देखो यहां पर ए बी कैंसिल, यहां पर साइन अपॉन कॉस, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, रूट थ्री। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो आप बताओ टैन थीटा रूट थ्री कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, ठीक। तो थीटा मिल गया अपन को। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब यहां पर अपन को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है एडिशन वाला। तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो आप देखो ध्यान से यहां पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना निकाला है मैंने, 60 डिग्री ना, ठीक है। अब बताओ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये cos 60 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल। तो आप बताओ क्या ये आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल पावर 1 बाय 2 ना, मतलब वही रूट, ठीक, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं ना होल पावर 1 बाय 2। तो ये आंसर होगा एडिशन ऑफ वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, सिंपल कहानी। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट भी लग गया, डॉट भी लग गया, और रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला एडिशन ऑफ वेक्टर वो भी लग गया। तो एक तरीके से रिकॉल हो गई सारी चीजें, है ना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो तो बस यहां पर अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओवर होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसे इंटरफेस मिल जाएंगे, वहां पर सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, फाउंडेशन कोर्स जितने भी हैं वो सब दिखेगा आपको, है ना। फिर जैसे मान लो आप लोगों ने क्लिक किया कि आपको पढ़ना है JEE फाउंडेशन फिजिक्स, जैसे क्लिक करोगे वॉच नाउ पे आपको उसकी चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, फिर जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपको ये वीडियो सामने मिल जाएगा, सिंपल। और बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल पाए। थैंक यू।